sin x upon x, sin in limit x approaching to 0 sin x upon x. तो ये अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट नहीं है, अगर आप जीरो डायरेक्ट प्लेस कर देते हो तो साइन जीरो अपॉन ज़ीरो आ जाएगा, दैट इज़ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. तो कुछ इसे डिटर्मिनेंसी इनडिटर्मिनेंसी रिमूव करनी पड़ेगी. इसके लिए आप यहाँ पे हम साइन की सीरीज़ यूज़ कर दे रहे हैं. साइन की सीरीज़ होती है आपका, ये आपका एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, और जो आपकी साइन की सीरीज़ हो गई ये होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन. ये अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा आपका, और ये एंडलेस सीरीज़ होगी होल अपॉन एक्स. तो न्यूमरेटर आपका सीरीज, न्यूमरेटर में हमने सीरीज साइन की सीरीज यूज़ कर ली, साइन एक्स की सीरीज यूज़ कर ली. बहुत बार आप सीरीज से क्वेश्चंस करते हो और कई बार आपको ऑप्शन होता है और कई बार आपकी मजबूरी होती है कि ये करना ही पड़ेगा, सीरीज यूज़ करना ही पड़ेगा. तो हमेशा आदत में रखनी चाहिए सीरीज, क्योंकि जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं वो आपको वहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ती ही है. तो आदत डाल देना चाहिए इसका. खैर, x अप्रोचिंग टू जीरो, ऊपर से x हम कॉमन कर लेते हैं. जब x आप कॉमन कर लोगे ऊपर से तो क्या आएगा आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, और इधर हायर डिग्री टर्म होंगे x के, x कंटेनिंग टर्म होंगे, अपॉन x. ये आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके बाद जो लिमिट आपके पास बची है वो डायरेक्ट कैलकुलेटिव है, मतलब वहाँ पे वैल्यू प्लेस करोगे तो वो एक डिटर्मिनेंट फॉर्म देगा. तो 1 माइनस 0 प्लस 0 एंड सारे x कंटेनिंग टर्म है तो ये सब के सब क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे. तो वी गेट 1, मतलब जो ये लिमिट है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x अपॉन x, ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है. ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आपको एक जैसे एलजेब्रिक आइडेंटिटी आप याद रखते हो, प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, जो भी आप नॉर्मली याद रखते हो. कैलकुलस में आपको ये याद रखना पड़ता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो लिमिट होता है एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, ये 1 होता है. अब अगर हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं सैंडविच थ्योरम से, सेम चीज़ को हम सैंडविच थ्योरम से देखते हैं, तो हमें पता है कि सैंडविच थ्योरम में जो साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये फंक्शन सैंडविच होता है, दैट इज इन बिटवीन द फंक्शन कॉस एक्स और 1 के बीच में ये सैंडविच होता है. तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो है ये कॉस एक्स और 1 के बीच में सैंडविच होता है एक्स अप्रोचिंग टू 0. अब सैंडविच थ्योरम ये कहती है, और दो फैक्ट और पता है हमें, कि अगर हम पहली चीज़ देखें कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग, पहली चीज़ तो आपकी यही हो गई, ठीक है. सेकेंड चीज़ आपकी हो गई कि एक्स अप्रोचिंग टू 0 जो 1 की लिमिट होगी, चूँकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो ये लिमिट वही आ जाएगी. और थर्ड चीज़ पता है हमें कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 जो कॉस एक्स है, ये एक डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट है, तो दैट इज़ कॉस जीरो की वैल्यू आपकी 1 होती है. तो इन तीनों के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो लिमिट है साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हमारा 1 होगा, ठीक है. ये हम लोग यूजिंग द सैंडविच थ्योरम. इन जनरल अगर हमें बात करनी है, हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो साइन एक्स अपॉन एक्स इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली उनके बेसिस पे नहीं होता है. तो ये हमारे पास कुछ दे देते हैं यहाँ पे कि साइन एफ एक्स इज एनी फंक्शन, ये आपका एक्स ना हो के 4x हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, 10x हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा देंगे जिससे जो आप
कुछ ऐसा देंगे जिसे आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो हमने एक जनरल लिमिट कंसीडर करी है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स एक खास फंक्शन है जो एक्स अप्रोचिंग टू ए जीरो को जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा एफ एक्स को क्या एज्यूम कर लेंगे, वाई। अब एफ एक्स को आप वाई एज्यूम कर लोगे, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अब हम यहाँ कहेंगे एज एज एक्स अप्रोचिंग टू ए, जो एफ एक्स है एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स अप्रोचिंग टू जीरो होगा। दैट मीन्स एफ एक्स तो हमने वाई एज्यूम किया था, तो वाई अप्रोचिंग टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पूरी जो ओरिजिनल क्वेश्चन आपका होगा वो पूरा लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट वाई अप्रोचिंग टू जीरो एंड साइन ऑफ एफ एक्स की प्लेस पे हम वाई प्लेस कर देंगे अपॉन वाई। और ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आप डायरेक्टली इस्तेमाल करोगे, ठीक है, इसके लिए हमें कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट विल बी, दैट लिमिट विल बी वन। तो आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी फॉर्मेट के होंगे, आप हमेशा उसको इस तरह से अप्रोच करोगे।